All right, what up everybody, it's your boy Financial Kushamadi to our new video. तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है मेरे YouTube के बारे में. कुछ मेरे ऐसे पर्सनल थिंग्स हैं, कुछ मेरी ऐसी सोच है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ YouTube के बारे में. तो क्या होता है ना कि कुछ चैनल्स आपने ऐसे देखे होंगे जो वाइन्स के हैं, कुछ चैनल्स देखेंगे जो ट्रैवलिंग के, मोटो ट्रैवलिंग के या ट्रैवलिंग के, कुछ डेली लाइफ व्लॉग के. लेकिन मैं अभी तक के डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरा चैनल पर्टिकुलरली किस चीज़ के ऊपर में, डेली लाइफ व्लॉगिंग पे है या लाइफस्टाइल व्लॉगिंग पे है या फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर मोटो व्लॉग वगैरह. मैं सोच नहीं पाया कि मुझे पर्टिकुलरली किस टॉपिक के ऊपर में अपना चैनल क्रिएट करना चाहिए. अब मैं कुछ ऐसी बातें नहीं करने वाला जैसे स्क्रिप्टेड लोग करते हैं वैसे दिखाते हैं. मेरा एक भी ब्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं है. मुझे जो लगता है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ. तो मैं उसी तरीके से ये बात भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. कैसा होता है कि स्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने वीडियोज़ देखे हैं, स्क्रिप्ट ना बहुत एक इंपॉर्टेंट अलग लेवल की चीज़ है. अगर से आप स्क्रिप्ट करते हो और अगर से जैसे स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स होते हैं, जैसे वीडियो आपने ऑन कर दिया और आप जिस नीच के लिए ढूंढ रहे हो, समझ लीजिए आप ढूंढ रहे हो हाउ टू स्क्रिप्ट योर वीडियो. अगर से मैं ये आपको बता दूंगा कि आपके वीडियो में स्क्रिप्ट जो है वो बहुत बेहतर कैसे लाएं और ज़्यादा व्यूज़ कैसे लाएं, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखोगे एंड तक के. लेकिन अगर से मैं बिना स्क्रिप्ट के रियलिटी अपनी शो कर रहा हूँ आपके आगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है. लेकिन मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि स्क्रिप्ट व्लॉग्स करना वाइंस, तो क्योंकि स्क्रिप्ट करना पड़ता है, क्योंकि लिखना पड़ता है बहुत बढ़िया. जैसे 30-40 मिनट्स अभी तो एक एक दो दो घंटे की जो है वाइंस आ रही है. जैसे अभी ढिंडोरा लॉन्च हुआ है बीबी की वाइंस का, सेकेंड एपिसोड भी उसका आ चुका है. तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है जो आपको स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत है. व्लॉग स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है. जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हमको व्लॉग स्क्रिप्ट करके जो है लिखना चाहिए. फिर उसके बाद में दूसरी बात, मेन बात जो है, दूसरी बात नहीं बोल सकते, मेन बात मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पस ये था कि मुझे डॉक्यूमेंट्री करना बहुत पसंद था पहले से और अभी भी है. जैसे अपने खुद के वीडियोस शूट करना, लोगों तक के दिखाना या फिर कुछ नॉलेज. आई थिंक यू द मोर यू लर्न द मोर यू डू. जितना आप सीखोगे उतना आप कर सकते हो. लेकिन आप सीखोगे ही नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये मुझे लगता है. ये मेरी सोच है, मुझे लोगों की सोच नहीं पता पर मेरी सोच है और मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ. मैं आपको मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत इजी सिंपल्स हैं. कि हम जो है क्या करते हैं लाइफ के अंदर में पर्टिकुलरली, हम ये सोचते हैं कि ये काम जो है हम आज करने वाले हैं, ठीक है. लाइक मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, ठीक है, जो ब्लॉगिंग करना है तो मेरे पास में जो है कैमरा है लेकिन उसके अंदर माइक नहीं लगता. जो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अगर से आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो कैनन का कैमरा उसके अंदर माइक नहीं लगता. और गाइडलाइन के अंदर में जो कैनन के कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इसमें माइक, एक्सटर्नल माइक जो है अटैच कर सकते हो, आप लगा सकते हो, उसमें सीधा साफ लिखा हुआ है, ठीक है. तो मुझे जो है पर्टिकुलरली बहुत पसंद था ब्लॉगिंग करना और अभी भी है. ब्लॉगिंग मीन्स खुद की डॉक्यूमेंट्री करना, खुद के फोटोज़ पिक्चर्स क्लिक करना और शेयर करना, ये मुझे बहुत पसंद था. कि देखो मतलब एक सोच ऐसी थी कि मैं जो है फोटो में अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ या फिर वीडियोस में मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो में मैं हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ. तो मैंने लाइक अभी सोचा कि मुझे आज से व्लॉगिंग करना है, ठीक है, तो आज मैं शूट करूँगा और कल वीडियो जो है वो लाइव आ जाएगा. ये मेन बात थी. लेकिन फिर उसके बाद में हुआ क्या, ये मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ. हुआ क्या, मैं जैसे घर पर आया, घर में आने के बाद में रात हो गई थी, घर में आने मैंने खाना वाना खाया या फिर दोपहर थे, मैंने खाना खाया, मैंने सोचा यार कि थोड़ी देर यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ. तो जो वीडियो मुझे बनाकर यूट्यूब पर डालना था, तो मैं लोगों के वीडियो, वही लोगों के वीडियो जो लोग मतलब ब्लॉग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके वीडियो स्क्रॉल करके मैं देख रहा हूँ, ना कि लोग मेरे देख रहे हैं. आप समझे, मतलब लोग जो है, लोगों ने मेरा वीडियो देखना चाहिए था क्योंकि मैं अपलोड किया रहता ना, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया. मैं सिर्फ वो टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास के लिए जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए मैं देख रहा हूँ कि लोगों के वीडियो कितने अच्छे भी, यार इसने थार ले ली, इसने ये ले लिया, इसने वो कर लिया, MSK के ब्लॉग्स कितने अच्छे, सौरव जोशी के कितने सब्सक्राइबर्स हो गए. अगर से मैं इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देते रहूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉग्स देखना बंद कर दो या फिर मत करो, लेकिन खुद का जो ड्रीम है, खुद का जो इनोवेशन है कि ये करना है, खुद के अंदर में एक कैसा जज्बा होना चाहिए कि इस चीज़ को भाई आपको करना है, मुझे ये चीज़ करना है. मैंने अब सोच लिया कि मुझे जो ब्लॉगिंग करनी है, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे कल से ब्लॉग करना, परसों से करना, मैं नहीं सोचूंगा. मैंने अगर से आज सुबह उठने के, अगर से मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ या 10 बजे उठता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज ही से मेरा पहला वीडियो जो है दोपहर के 3-4 बजे आउट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर में, और लोग देखेंगे और मुझे जो है पसंद है सब चीज़ें करना, तब जाके जो है मेरी कुछ आगे की तरफ में बढ़ेगा और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो होगा. और ग्रो नहीं भी होगा तो मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ. खाली पीले बैठ के स्क्रॉल करना कोई मतलब नहीं है, एकदम मीनिंगलेस चीज़ है ये. हाँ, अगर आपके पास में बहुत टाइम है, टाइम पास करना है आपको,
कि क्या कर सकते हैं, अपन दिन भर यूट्यूब स्क्रॉल करो, इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर से आपका पर्टिकुलर एक थिंग है ना कि करना है, जो ये चीज़ करना है, ये सोच लिए, मैंने सोच लिया अगर से कि स्कूल की जैसे एग्जाम चल रहे, पेपर चल रहे, मुझे कम से कम 90 अबव तो चाहिए, तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो लोग क्या बोलते, पता है क्या, दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ता था यार, उसके तो भी 70% है, 75 है, 80 है, 85 है। तो लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर से जब आपकी कॉलेज स्टार्ट हुआ या स्कूल स्टार्ट हुआ होगा, अगर से तब आप डेली 1 घंटा पढ़ते एक चैप्टर, ठीक है, अगर से आपको 10 चैप्टर आप डेली 1 घंटा एक चैप्टर पढ़ते, तो आपके पास में पूरे ईयर था, ईयर में अगर से समझ लिया आपके चल में 3 महीने भी थे सिर्फ बचे हुए, 3 या 2 महीने भी, तो भी आप जो है 90 आराम से अक्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि डेली 1 आवर आप जो है वो टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे थे। डेली 1 टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करते, वो लेसन आप जो है आपने क्या किया, रट्टा नहीं किया, आपने उस लेसन को अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, और यही चीज़ जो है आपको एग्जाम में भी हेल्प कर सकती है, वैसे ही इस लाइफ में भी। अभी बोलते हैं, अरे मुझे एक बात बताओ, जो भी कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, जो भी होंगे, अभी ये जो सिंस थीटा है, कॉस थीटा है, इसको मैं अपने रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करूँगा, कहाँ करूँगा? और मैं अगर से ये वीडियो कोई टॉपर देख रहा हूँ ना, तो उसको ज़रूर पूछूंगा, जो क्लास के टॉपर होते हैं, मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ इसको, मेरे भाई तू ये बता, या फिर मेरी बहन तू ये बता, इस सिंस थीटा कॉस थीटा इसको मैं कहाँ अप्लाई करूँ मेरी लाइफ में? अभी समझ के चलिए, अगर से मुझे अभी समझ के 2 महीने के बाद में मुझे कार लेना, मैंने सोच लिया कि 2 महीने बाद में कार लेना, उसके कार वाले के पास में जाऊँगा शोरूम में, महिंद्रा के शोरूम में गया, महिंद्रा शोरूम में, भैया सुनो मुझे ना एक कार लेना है, और मेरा सर ने मुझे सिखाया था सिंस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा और फाइंड द एक्स ऑफ ट्रायंगल दिस, तो क्या होगा? वो बोलेगा भाई बहुत अच्छा पढ़ा, ले लेके जा, ऐसा बोलेगा। अब आएंगे उसके बाद में कुछ महान लोग भी होंगे कमेंट्स में, अगर से वीडियो देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि भाई अगर तू पढ़ाई लिखाई करेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, तो उसके बाद में तेरे साथ में ये होगा कि तू जॉब लगेगी, नहीं तो तू बिजनेस करेगा, और उसके बाद में जो है तेरे पास में पैसा आएगा तो तू गाड़ी लेगा, तेरे को जो करना है वो करेगा। तो मेरे भाई बिजनेस करने के लिए नहीं, क्या दुनिया का दिमाग चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया पैरों पर नहीं चलती है, पैसे पर चलती है। ये बात जब मालूम होगी नहीं क्या, तब तक बहुत देर निकल गई होगी, ये बात याद रख लेना। अगर से अभी मैं दुकान में कोई जाता हूँ ना और बोलूँगा उसको 5 रुपये वाला पार्ले जी बिस्किट भी दे, तो वो फ्री में नहीं देने वाला, वो बोलेगा 4 रुपये का बिस्किट मैंने खरीदा है, 1 रुपये कमाऊंगा, 5 रुपये तू दे, वो तुम्हारे वो कुछ फ्री में बिस्किट नहीं देने वाला लेके जा करके। ये बात जब तक दिमाग में नहीं भरोगे ना, तब तक के सक्सेसफुल नहीं बन सकती है। आज MBA चाय वाला उसने लोगों को लगता है MBA ड्रॉप आउट किया उसने पर्टिकुलरली चाय के लिए, वो बंदे ने पर्टिकुलर चाय के लिए नहीं किया, उसके इंटरव्यू जब देखोगे तो MBA चाय वाला प्रफुल बिल्लोरे उसने ये कहा है, बंदे ने, वो भाई ने ये कहा है कि मैंने MBA ड्रॉप आउट इसलिए किया क्योंकि मैंने कैलकुलेशन लगा दिया था। वो गुप्ता है, और गुप्ता लोग जो रहते हैं उनका दिमाग जो फास्ट होता है, बोले कि मैं गुप्ता वाला एक मेरे अंदर दिमाग है, मैंने जो कैलकुलेशन लगा दिया था कि 2 साल MBA में जाएंगे, 3 साल इसमें जाएंगे पेपर क्लियर करने में ये में, और अगर से मुझे मेरी लाइफ जीना है तो मुझे EMI पे जीना पड़ेगा, जो मुझे नहीं जीना, इस वजह से ही मैं मालूम है कि उसने क्या बोला, इस वजह से ही मैंने ड्रॉप आउट किया, और मैंने घर में झूठ बोला, मैंने बोला कि एग्जाम की फीस भरनी, कॉलेज की फीस भरनी है, मैंने पैसे लिया और उस 40,000 रुपये से मैंने मेरा बिजनेस चालू किया, एक रोड साइड के ऊपर मैं वहाँ ठेला लगाया, चाय बेचना चालू किया, 30 रुपये से चाय बेचना चालू किया भाई, 30 रुपये चाय बेचता था, पहले दिन धंधा हुआ उसकी 10 चाय बिकी, कुछ 300 या 150 या 300 रुपये का उसने धंधा वैसा बताया, और लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। मतलब पता है क्या इंटरेस्ट कैसे आता है, अभी समझ के चलो आप मुझसे मिल रहे हो, मेरी लाइफ के अंदर में कुछ अनगढ़ कहानियाँ हैं जो मैं बता नहीं सकता, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माइंड, अगर से कुछ स्टोरी है, अगर से मैं अभी ये टॉपिक रखता हूँ कि मेरे साथ में जो है कुछ ऐसी चीज़ हुई थी मेरे 10th के टाइम पे जिसके ऊपर मुझे कम परसेंट आए तो भी मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो आप लोगों जो है स्टोरी सुनने में, स्टोरी इंसान का ब्रेन ही ऐसा बनाया कि स्टोरी बहुत जल्दी कैप्चर करता है। अगर से मैं बोलता हूँ ना कि बहुत कम परसेंट आए थे लेकिन मैं पढ़ाई में स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे पास पता है क्या, मेरे क्लास में जब मैं था तो मेरे क्लास में मुझे ये बोलते थे मेरे जो प्रिंसिपल मैम थे स्कूल के, कि ये एक बिजनेस मैन का माइंड है करके, तू एक बिजनेस मैन है और तू बिजनेस मैन ही बनेगा करके, मेरे मैम को भी पहले से पता था कि एक बिजनेस मैन माइंडेड इंसान है। तो मुझे कैसा लगता था पता है क्या, कि पढ़ाई वढ़ाई ये सब वेस्ट है, वेस्ट कुछ भी नहीं है। आज आपको अगर से किसी बाहर देश के इंसान से, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के इंसान से अगर से किसी कम्युनिकेशन करना है तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, आप बोलोगे गूगल ट्रांसलेटर, तो मेरे भाई हमेशा चैट पे नहीं करने वाले हो, हमेशा चैट पे उससे बात करूँगे क्या, चैटिंग करेंगे हमेशा, उसको टेक्स्ट करूँगे, कभी ना कभी तो कॉल पर बात करना पड़ेगा। और आप देखोगे ना तो इंडिया की जो हमारे कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे उनकी इंग्लिश बहुत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना उनकी इंग्लिश इतनी स्पीड और इतनी क्लियर नहीं है, जितने स्पीड में वो लोग बातें करते हैं ना इंग्लिश में, आप फ़ोन पे ऐसे रह जाओगे और वो क्या बोलेंगे आपको समझ में, बोलेंगे हाँ, आप सिर्फ यही बोलते रह जाओगे हाँ यस हाँ, सिर्फ यही बोलते रह जाओगे, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर में बीती है तो मुझे पता है। उसके बाद में मैंने मेरी इंग्लिश क्लीन किया, क्लियर किया,
तो ये चीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि अगर से जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस है ना, उस चीज़ के ऊपर हम फोकस रखो। MBA चाय वाले को अगर से MBA प्रफुल्ल बिल्लोरी, अगर से आप इसको, ये बंदे को, ये इंसान को, ये भाई को अगर से यूट्यूब पे फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करोगे तो, कि वो कितने आइडियाज एक्सपांड कर रहे हैं, कितने उसने क्या क्या पता है क्या। दुनिया की तरह मत बनो, खुद की तरह बनो। बी योर ऑन स्टार इन योर ओन यूनिवर्स, खुद की यूनिवर्स में खुद का स्टार बनो, दुनिया की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर में क्या हुनर है, आपके अंदर में क्या टैलेंट है। आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर से 10 20 30 लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या कर रहा है ये, क्या चूतियापंती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट आई नो कि मैं कुछ ईयर्स के बाद में कहाँ रह सकता हूँ, कुछ समय के बाद में कहाँ रह सकता हूँ, मुझे पता है। अगर से आपको भी पता है तो आप वैसा कर सकते हो। अगर से आपको पता है कि आप इस चीज़ में बेस्ट हो, अगर से पढ़ाई में बेस्ट हो, ऐसे नहीं पता कि पढ़ाई के अंदर में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कुछ, जैसे उसको कहते हैं प्रॉफिट नहीं है, या फिर देखो प्रॉफिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया प्रॉफिट पे चल रही है, ठीक है। मेन बात तो कंसिस्टेंसी ये सीख लो कि दुनिया प्रॉफिट पे चल रही है। अगर से आपको मेरी बात झूठ लगती होगी, घर के बाहर जाओ और ऐसे मत जाना कि जो आपके चाचा हो, मामा, उनकी दुकान, उनके पास मत जाना। कोई ऐसे इंसान के पास में जाना जो आपके से को पहचानता ना, और उसको बोलना कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, बोलना मुझे 100 रुपये दे दे खर्चे के लिए, खर्चे के लिए बोलना। क्यों? क्योंकि अगर से घर में ही मांगोगे तो ये बोलोगे ना खर्चे के लिए 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, तो बाहर में भी बोलो 100 रुपये खर्चे के लिए दे दे, वो आपको क्या बोलेगा देखना। उसका ज़्यादा से ज़्यादा यही जवाब रहेगा कि भाई मैंने कमाया है, तू भी कमा। तो ये बात समझो, दुनिया प्रॉफिट किसी और कुछ नहीं है। जब प्रॉफिट कमाना जान जाओगे, देखो मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी, आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी एंड मोर, बहुत कमाना है पैसा, और फिर दुनिया को ये बताना है कि ज़िंदगी में जीने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा कमाने के बाद में। क्योंकि बिना पैसा कमाएंगे, अगर से आज बताऊँगा, आज बोलूँगा कि मेरे पास में समझ के चलो कुछ बाइक वगैरह है तो मैं पेट्रोल लगा के चलता हूँ करके, अगर से मैं बोलता हूँ पेट्रोल लगा के घूमने चलता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ, लद्दाख का ट्रिप करके आता हूँ, मेरा प्लान है लद्दाख का ट्रिप का, वो भी इंशाल्लाह वो जल्दी करेंगे, लेकिन बता दो। तो अगर से आप कहीं घूमने जाते हो तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अमीर हो या करोड़पति हो। स्टेटस जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अब भी पता नहीं चलेगा आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में इंडिया डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलप, इंडिया आगे बढ़ रहा है। और इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, आपको पता चलेगा कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, जब डेवलप हो जाएगा ना तो USA वगैरह इन सब की तरह टेक्नोलॉजी आएगी। आज USA में ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या चलता है, घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप से, जो ऑफिस है ऑफिस के अंदर में कोई नहीं जा रहा, सब घर में बैठ के वर्क कर रहे हैं, होम से वर्क चल रहा है, एकदम ज़्यादा ज़्यादा फ्रीलेंसिंग का काम चल रहा है, कोई कंपनी से अटैच नहीं है। फ्रीलेंसिंग का मतलब ये है आप किसी से अटैच नहीं हो, आप जो है डायरेक्टली किसी कंपनी के ओनर से या किसी मैनेजर से बात कर रहे हो, आपको वर्क दे रहा है, वर्क कंप्लीट कर रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, ये फ्रीलेंसिंग का मीनिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा USA वगैरह में अभी यही चल रहा है, तो इंडिया में भी वो चीज़ बहुत जल्दी जो है लागू होने वाली है, पर्टिकुलरली आ जाएंगी बहुत जल्द। तो आपको बताने का मतलब यही है आज के इस वीडियो में कि जिस चीज़ को फोकस कर लिए उसको अभी करो ना, अभी करो। मुझे एक बात बताओ, मैं सीधा बोलूँगा, बोलेंगे इंटरवेंशन गलत दे रहा है करके, लेकिन गलत नहीं दे रहा। अगर से मुझे ऐसा समझ लो, मुझे अभी किसी से मिलने की इच्छा है, मुझे कैरम नाइटी से मिलने की इच्छा, हमारे इंडिया के, एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर, बेस्ट यूट्यूबर, बेस्ट रोस्टर, बेस्ट गेम प्लेयर, अगर से मुझे उससे मिलने की इच्छा, और हम समझ लीजिए मुझे अभी मिलना है उससे, अभी मिलने की इच्छा है, या फिर मेरे पास में 1 हफ्ता है मिलने के लिए सिर्फ, अगर से 1 हफ्ता है या अभी मिलना है, और मैं मर गया तो, अगर से देखो मौत का भरोसा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन भरोसा किसी चीज़ का नहीं है ना इस ज़िंदगी में, किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी चीज़ का, क्योंकि बनाने वाला हमको ऊपर वाला है, गॉड इज़ ग्रेट, ऊपर वाले ने हमको बनाया है और वही सब कुछ ये सब हैंडल करता है, समझे। तो जितनी मेहनत करोगे तो ऊपर वाला ये बोलेगा कि ये मेहनत कर रहा है, ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बंदा सही है, इसको पुश करते ना आगे, ऊपर वाले बोलेगा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको ऊपर बढ़ा के क्या करना है। अब लोग सोचते हैं कि अंबानी हो गए, इतना अमीर है उसका लड़का मुकेश, ये वो, तो मेन जो है ना फोकस ये बाप दादा की कमाई नहीं है, अभी तो दादा ही बोलेंगे, तो जो दादा की कमाई है उनके, तो वो कमाई से वो बिजनेस चला रहे हैं, उनका माइंड ही पर्टिकुलर बिजनेस सेट है। अगर से तुम्हारे कोई भी चीज़, तुम्हारा सोशल मीडिया है, या फिर तुम्हारा स्टडी में है, या फिर तुमको MBSC को सिलेक्ट करना, तुम करो ना मेरे भाई, तुम करो, लेकिन तुम स्टडी उस तरीके से करो कि तुम्हारा जो माइंड है हमेशा फ्रेश रहे, ताकि ऐसा ना रहे कि तुम बोर हो जाओ और उस चीज़ से जो हाथ धो बैठो। अगर सोचो 3 साल का कोर्स है, तुम 1 साल 1.5 साल कोर्स कर रहे हो, उसके बाद में तुम ये सोच रहे हो अरे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जाने दे यार इसको छोड़ देते करके, तो अपना भी पैसा बर्बाद मत करो, आपके पेरेंट्स का ही मत करो, और ये सब चीज़ों से झंझट में रहो भी मत। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका कुकिंग में है, सिंगिंग में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें महारत पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है खुद के लिए। अब मैं एक काम की चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटी सी स्टोरी है 30 सेकंड की, वो आपको मैं बताता हूँ, सुन के बहुत मज़ा आने वाला है बहुत। तो एक बार क्या हुआ था ना कि एक बस के अंदर ट्रेन आती है ना, ट्रेन, लोकल ट्रेन चल रही थी, तो ट्रेन के अंदर में मेट्रो जिसको बोलते हैं, मेट्रो के अंदर में एक इंसान बैठ के था, तो वो इंसान कुछ ऐसे वीडियो शूट करता था
जैसे ब्लॉगिंग हो गई हो गए, तो वो एक इंसान के पास में गया अपने टिश्यू पेपर लेके और उस इंसान को बोला कि अगर से तुम 30 सेकेंड्स के अंदर में इस टिश्यू पेपर के ऊपर में अगर से एक अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ कर दूंगे तो तुम जितना पैसा बोलेंगे मैं उतना दूंगा। तो उस इंसान ने उससे टिश्यू लिया, अपने जेब से एक पेन निकाला और उस पर ड्राइंग पेंट की। तो वो ड्राइंग देख के वो जो इंसान है जिसने बोला था कि इसके ऊपर ड्राइंग निकालने जितने बोले उतना पैसा दूंगा, वो हैरान हो गया। तो जब उसने अपना टिश्यू, उसने अपना रुमाल जब वापस लेने किया तो उस इंसान ने, बैठे हुए इंसान ने क्या बोला पता है क्या, ये जो टिश्यू पेपर है, ये जो हमारी रुमाल है, इसकी प्राइस है $1 million। तो वो जो खड़ा इंसान था वो शॉक हो गया, उसने कहा क्या $1 million, इसके $1 million करो, 30 सेकंड तो लगाए सिर्फ पेंट करने में। वो जो इंसान थे जो नीचे में बैठ के जिन्होंने ड्रॉ किया, उन्होंने क्या कहा पता है क्या, मैं वर्ल्ड फेमस पिकासो, मुझे आज 40 साल की मेहनत लगी इस 30 सेकंड की पेंटिंग को उतारने, 40 ईयर्स ऑफ करेज, 40 साल की मेहनत लगी इस काम के परफेक्शन के लिए और 30 सेकंड में पेंटिंग उतारा मैंने। तो एक होता है क्या करेज, क्या आप जितना काम करते हो, जितना काम मैं जितना काम कर सकता हूँ आप उतना काम कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी कभी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है। अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ, अभी ये जो वीडियो है इसको 10 सेकंड बैक करना, स्किप मत करना, बैक करना और फिर देखना कि जो बातें मैंने बोल दिया वो पास्ट हो गया, प्रेजेंट में जीते ना, समझे क्या, प्रेजेंट में जीते फ्यूचर बनाने के लिए। अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट में किस चीज़ के लिए जी रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में काम यूट्यूब पे किस लिए कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए, मैं फ्यूचर में क्या रहूँगा। लेकिन आप जो है, मैंने जो बात कर दी आपने सुन लिया, अगर उसको दिमाग में अगर से भर के रखोगे तो काम में आएगा, चले जाएंगी उड़ जाएंगी, तो वो क्या होगा, वो चीज़ ये होने वाली है कि वो पास्ट हो जाएगा। अभी मैं जितना भी मुझे शब्द निकल रहा है वो सब पास्ट होते जा रहा है, अब ये बात पर गौर करो, आप वीडियो देख रहे हो वो पास्ट होते जा रहा है। तो मेमोरीज ऑलवेज स्टे इन योर माइंड इन योर ब्रेन, मेमोरीज हमेशा स्टे रहती है, जो हम याद करते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे ब्रेन में हमेशा जो है फिक्स एक जगह बना लेती है। जो अच्छी चीज़ हम देखते हैं, जो हमको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो याद रखने वाली, ये चीज़ तो काम वाली, वो चीज़ हमेशा ब्रेन में याद रहती है। तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ज्ञान काफ़ी है जितना मुझे पता था मैंने आपको दिया। अगर से आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैंने ऐसी पर्टिकुलर अच्छी वॉइस में, मैं अभी जो है माइक वगैरह कुछ नहीं, मैं माइक जो है परचेज करने की सोच रहा हूँ, अगर से आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी में, अच्छी वीडियो में अगर से मैं वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए, तो मुझे इंस्टाग्राम भी है ना, उसके ऊपर DM कर सकते हो, बाकी कमेंट भी कर सकते हो। और बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक ठोको। और इस वीडियो के ऊपर मेरे को टारगेट वगैरह तो है नहीं अपना, लेकिन जितना ही बताया वो सब चीज़ें याद रखो यार, काम की चीज़ें, बेकार चीज़ें मैंने व्यूज़ के लिए नहीं की है, सिर्फ काम की चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।